भरमा केल की तो आपने बहुत बनाई होगी और खाई होगी, पर इस बार मेरे तरीके से बनाई है। मैं इसे बनाने जा रही हूँ माइक्रोवेव में, जो मिनटों में बन जाती है। मैं हूँ माधुरी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम गिलकी ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अभी गर्मी का सीजन है, बहुत आती है। अब इसे इस तरीके से चक्कू से छीलेंगे, या आप आलू छीलने वाले चक्कू से भी छील सकते हैं, पर इससे थोड़ा मोटा छिलका निकलता है, ये आपकी चॉइस है। अब इनके दोनों कॉर्नर्स कट करेंगे, बीच में से कट लगाएंगे स्टफिंग के लिए। इस तरीके से देखिए, सब गिलकी को इसी तरीके से करके रख देंगे। अब रेडी करते हैं स्टफिंग। उसके लिए मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, इसे सेक लिया है। अगर आप चाहें तो बाजार में रेडीमेड भी आते हैं रोस्टेड मूंगफली के दाने। उसे सेकने के बाद छिलका निकाल के मिक्सी में पीस लिया पाउडर जैसा। अब यहाँ मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, बारीक काट लिए हैं। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे मूंगफली के दाने से मसाला बना सकते हैं। यहाँ तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च, दो बड़े चम्मच पीसी हुई मूंगफली के दाने, एक छोटा चम्मच धना पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश धनिया। अब यहाँ मैं एक छोटा चम्मच तेल डाल रही हूँ, जिससे मसाला गिलकी पे अच्छे से चिपका रहे, बाहर नहीं निकले। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लीजिए, रेडी हो गया स्टफिंग मसाला। अब यहाँ गिलकी जिस तरह से कट की थी, इसमें इस तरीके से अच्छे से भर देंगे। अच्छे से आप दबा के भरिएगा ताकि ये बाहर ना निकले। अब हो गई है सारी गिलकी तैयार, बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। हो गई ना मिनटों में रेडी। बस अब एक कांच का बाउल लेंगे, जो माइक्रोवेव सेव हो वो आप ले सकते हैं। उसे मैंने दो बड़े चम्मच तेल डाला है, गरम नहीं किया है, सिर्फ इसके ऊपर मैंने जीरा डाल दिया एक छोटा चम्मच, क्योंकि ऑलरेडी गरम हो जाएगा तब अपने आप सिक जाएगा। थोड़ी सी हींग डालेंगे, उसके बाद इस पर गिलकी जमा देंगे और उसके ऊपर मसाला डाल देंगे। इस तरीके से आप दो लेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा है तो। इसे मैं माइक्रोवेव में 10 मिनट तक के लिए रखूंगी, और आपके हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करके 10 या से ज़्यादा या कम टाइम लग सकता है। दो बड़े चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसको जब कवर करके पकाएंगे तो इसमें गिलकी अपने आप पानी छोड़ती है। अब इसे आप बीच में चेक करते रहिएगा, और फिर कुछ मिनट के लिए आप कवर खोल के इसको पकाइएगा, इससे पानी टूट जाएगा। लीजिए, रेडी हो गई है माइक्रोवेव स्टफ गिलकी। आपको मेरी रेसिपीज कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए नई नई रेसिपी।